अनशन के धरने पर बैठे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली पर्व के मौके पर हर साल बोनस के रूप में रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इस बार वो बोनस नहीं दिया गया जो वास्तविक बनता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार माल काफ़ी उत्पादन हुआ और उत्पादन में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी की हर धर्मता के कारण कई समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो दीपावली पर्व को राजस्थान एक्सप्लोसिव एवर्ट केमिकल लिमिटेड धौलपुर के गेट पर ही अपनी दिवाली मनाएंगे। आज से हम आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं बोनस के बारे में, लेकिन मैनेजमेंट हठधर्मी पर अड़ा हुआ है। विमल प्रताप भी आज आए थे श्रम अधिकारी, उन्होंने कोई अपनी खास भूमिका नहीं निभाई, वो भी मैनेजमेंट की तरफ ही उनका झुकाव रहा और उन्होंने इस बात को भी गंभीरता में नहीं लिया गया कि ये अनशन पर बैठे हुए व्यक्ति पानी तक नहीं पियेंगे, तो उन्होंने टाइम कल का रखा गया जबकि फोन सारी बात मोबाइल से भी हो सकती थी कंपनी मालिक से, लेकिन उन्होंने तानाशाही के चक्कर में उन्होंने कहा कि कल आपकी मीटिंग होगी 10 बजे। ये तानाशाही बहुत ही हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसके बारे में क्या? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम दीपावली कब तक चलेगा? प्रोडक्शन बंद करेंगे अपना, हम कल से प्रोडक्शन बंद करेंगे। राजस्थान के पाली जिले के रानी पंचायत समिति के केरली ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों के संघ अभियान के तहत शिविर प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में मारवाड़ विधायक खुशवीर सिंह के सानिध्य में लोगों को 50 पट्टे, 2 जॉब कार्ड, 48 पेंशन व जन आधार कार्ड वितरित किए गए। विकास अधिकारी आवरदान चारण ने पंचायती राज विभाग के शिविर में 5 लोगों को आवासीय किस्त की स्वीकृत दिलाई। मारवाड़ विधायक खुशवीर सिंह ने हर घर नल कनेक्शन दिलाने का भरोसा दिलाया व हर विकास के लिए तत्पर रहने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर प्रधान श्याम कंवर गिरधारी सिंह मिड़तिया ने ग्रामीणों सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी दीपावली त्यौहार के मद्देनजर संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है। सोमवार को कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बालोतरा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा द्वितीय रेलवे फाटक के पास नवनिर्मित अंडरपास मार्ग पर दीपावली पर्व के मद्देनजर आवागमन शुरू कराया। अंडरपास पर आवागमन शुरू करवाने के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि इससे ट्रैफिक जाम में कमी होगी, साथ ही पर्व के दौरान आमजन को सहूलियत मिलेगी। इस अंडरपास का काम अभी चल रहा है और भविष्य में पूरी तरह से कार्य संपन्न होने के बाद माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के सानिध्य में विधिवत लोकार्पण किया जाएगा। और यहां रुके